यहाँ रोड देखो ना, रोड पानी भरा है पूरा रोड पे। सड़क सड़क यहाँ पे हेवे ने किया, दरअसल यहाँ पे दरअसल सिर्फ पानी ही है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पानी में चलनी पड़ेगी आपको। दरअसल सड़क देखे दोस्तों, सड़क देखे, अब सड़क का जायजा लिया जाएगा। ये उसको भिगाओ, आराम से जाने मन। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो हमारे चारों तरफ हरियाली हरियाली है। उधर दिखाया जा रहा कैमरा मैन, उधर देख सकते हो दोस्तों आप चारों तरफ जितनी दूर आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक बस आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। बस मतलब पूरा का पूरा खाली, वहाँ पे कुछ चरवाहे हैं जो कि अपने भैंस चराने आते हैं, और कुछ नहीं यहाँ पे, कुछ गाय चरवाहे हैं, भैंस चरवाहे हैं, बाकी यहाँ पे कोई नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बस हम और आप है, और कुछ नदी में पानी है, और आप देख सकते हो नदी के ऊपर जो पानी है उस पर चारों तरफ से घास लग चुकी है, इसे साफ़ करने वाला कोई नहीं है दोस्तों। बिहार सरकार कहाँ है, तो देख सकते हैं नदी किस तरह से गंदगी में भरी पड़ी है, वो भी आप लोगों को देख सकता है। पूरा का पूरा वहाँ पे बोरा वोरा फेंका पड़ा है दोस्तों, सोन का बोरा, प्लास्टिक का बोरा, बोरा। तो उधर पानी है, थोड़ी बहुत साफ पानी उधर देखने को मिलेगी कैमरा में, उधर दिखाया जा रहा है, उधर साफ पानी है दोस्तों, थोड़ी बहुत ही साफ पानी है। वैसे साफ पानी तो कहीं मिलने वाली है नहीं आपको पूरी धरती में, पर यहाँ पे थोड़ी बहुत साफ पानी है। ट्रैक्टर वाला आ रहा है दोस्तों, देख सकते हो वो उसी साथ पूरा पुल ही ले गया है साला, पूरा पुल ही ले गया है। तो दोस्तों यहाँ चारों तरफ खाली है, कुछ लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे घूमने टहलने आते हैं, कुछ लोग ही आते हैं यहाँ पे बस सुबह में, कुछ लोग आते हैं शाम में, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग हमें शूटिंग करते हुए देख रहे हैं, हमारी माँ बहनें की जा रही है, हमें सब देख के हंस रहे हैं, पर किसी को नहीं पता हम यहाँ पे बहुत भयानक वाले यूट्यूबर हैं, खतरनाक वाले यूट्यूबर हैं। तो दोस्तों अभी हम एक सीरियस अभी एक सीरियस मैटर पर काम किया जाएगा दोस्तों, हम थोड़ी सी रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। दोस्तों मैं कैसे लग रहा हूँ, वैसे ये मैंने ये जो आई ग्लास खरीदा है, ये मैंने कुछ खरीदा है 150 रुपये में, वैसे आप खरीद सकते हो, 200 रुपये का था। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करो और दुकानदार के पास पहुंच जाओ, सीधा आप उत्पन्न हो जाओगे दुकानदार के पास में। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे सिस्टम है, उस लिंक पे क्लिक करोगे जैसे आप दुकानदार के पास पट के पहुंच जाओगे दोस्तों गायब होकर अपने घर से। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे थोड़ी बहुत घूमी फिरी की जाएगी, और थोड़ा बहुत वीडियो बनाया जाएगा, शूटिंग वूटिंग की जाएगी थोड़ी बहुत, आप लोग देख सकते हो वीडियो को, लास्ट तक बने रहना वीडियो में। कर लेते हैं थोड़ी सी घूम फिर लेते हैं और आप लोग दिखाते हैं उसके बाद। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे चुनापुर रोड के मंदिर में हैं, और यहाँ पे साथ में आओ ना यहाँ मंदिर पे घूमेंगे और करेंगे साथ में ब्लॉगिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप मंदिर पे ब्लॉग करो, तो आज हम मंदिर पे ब्लॉग करने वाले हैं। मैंने बहुत दिन पहले सोच के रखा था कि हम मंदिर पे ब्लॉग करेंगे, पर आज हम करने वाले हैं। तो आज मैं आपको पहले मिलवाना चाहूँगा, तो आप ये मंदिर देख सकते हैं, ये भगवान का है, तो हम भगवान के मंदिर के अंदर जाते हैं और साथ में देखते हैं क्या है इस मंदिर के अंदर, क्या छुपा है राज। और वहाँ पे भी एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा, उधर घूमने के बाद वहाँ पे भी एक आपको मंदिर देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा सा मंदिर, छोटा सा है पर काफ़ी अच्छा सा मंदिर है। मंदिर मंदिर होता है, छोटा हो या बड़ा हो, मंदिर कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान एक ही होता है। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलती है मंदिर के अंदर। अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, फिलहाल अभी मंदिर के बाहर हैं, और मंदिर के चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, तो हम चप्पल भी खोल लेंगे और चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं क्या सब हमें देखने को मिलता है। यह मंदिर नहीं है, चप्पल यही खोल लिया है दोस्तों, हमें मंदिर का रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या क्या वहाँ से है मंदिर का रास्ता। सो मंदिर के अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या है। सो यहाँ पे हम मंदिर के अंदर हैं, और मंदिर के अंदर आपने देखा जैसे कि ये महादेव का मंदिर है, मंडे को आप आ सकते हो, यहाँ पे बहुत नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे भीड़ तो आती होगी आई एम कन्फर्म। सो ये मंदिर एक गोल है, अब एक गोल घर की तरह है, बट ठीक है मंदिर ऐसे ही होते हैं। तो अभी हम मंदिर से बाहर चलते हैं और दूसरी मंदिर की ओर बढ़ते हैं। अभी हम इस मंदिर के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। शायद से यहाँ पे मूर्ति बैठती है, यहाँ पे मूर्ति बैठती है, मैं भी नहीं मूर्ति बैठती है यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ से नज़ारा देखना चाहोगे उस तरह के, उस साइड की, काफ़ी सॉलिड सा नज़ारा है, काफ़ी अच्छा सा है, आप यहाँ पे घूमने आ सकते हो अगर आप पूर्णिया में रहते हो तो, और अगर आप बिहार में रहते हो तो आप ट्राई करना आने की, आप नहीं आ सकते इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बट यहाँ पे ट्राई करना, क्योंकि बहुत अच्छा सा मंजर है यहाँ पे। और अगर सामने देखें पूरा एकदम खुला हुआ वातावरण है, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम फ्रेश फ्रेश हवा मिलती है यहाँ पे, आप सभी भी यहाँ पे घूम सकते हो, बहुत अच्छी बात रही अगर आप यहाँ पे घूमने आते हो। कैमरा मैन सो चुका है हमारा, बहुत बोर हो रहा है यहाँ पे, अब हम नीचे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कचरा कितना है, नदी किनारे हर एक नदी किनारे आपको कचरा देखने को मिल जाएगा, ये बहुत कॉमन सी बात है। और यहाँ पे आप देखो तो बहुत अच्छा सा नज़ारा है, बट ये कचरा यहाँ पे जो है ये बहुत गलत सा लग रहा है देखने में। अगर आप कभी भी किसी मंदिर के सामने आते हो, या फिर आप ओशियन के पास या फिर समुद्र में घूमने आते हो बीच वगैरह पे, तो आप वहाँ पे कचरा मत फैलाया करो, बहुत गलत होती है वहाँ पे, ये हमारे वातावरण के लिए बहुत खराब है, बहुत हानिकारक है। तो प्लीज़ यार प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और नीचे आने के साथ बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, मुझे पता है मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पर फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। सो यहाँ पे एक नाव पड़ी हुई है,
पानी उधर पानी है, पानी पागल। तो वहाँ पे एक नाव पड़ी हुई है। अब मेरे को नहीं पता मैं कैसा सीन आ रहा है यहाँ से, बट बहुत औसम वाला सीन आ रहा होगा। आप दोस्तों अगर ऊपर की ओर देखो तो आसमान बहुत तगड़े, मतलब शाम का मौसम है, बहुत अच्छा सा संडे का टाइम है, मतलब लोग भी घूमने आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, कुछ मजे कर रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है यहाँ पे। इधर देखो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, जैसे हम भी यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की ओर, वापस अपने घर की ओर। चलो रे।